करूं, जितना भी हो, यू नो, वो जहाज तक ही रहता है. जहाज के बाद जब मैं, व्हेन आई गेट डाउन, तो इट्स, यू नो, देयर इज नथिंग. फिर कुछ नहीं होता, बस फिर. दैट्स व्हाट ही सेज. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? कहना तो पड़ता है ना. That's what he likes to say. नहीं, मेरा तो ये कि मैंने तो इन्हें कहा हुआ है कि if you like somebody मेरे से ज़्यादा तो then no problem, कोई मसला नहीं. यार बात है कि अब 13 years से इनको कोई मेरे से ज़्यादा पसंद ही नहीं आई. अच्छा, wow, great. ये है, ये factor है. अभी यहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ बैठे हुए कहते हैं यार इस एज में रीटचिंग की क्या ज़रूरत है. मैंने यही समझ में तो रीटचिंग की ज़रूरत बिल्कुल सही कहा था आपने, डेफिनेटली. अच्छा, ये कैसे होता है कि आई मीन सारी बातें हम मजाक मजाक में बात कर रहे हैं बहुत सारी, लेकिन ये संजीदा बात है कि टू कीप वन सेल्फ ऑन ट्रैक. आपको जबकि बहुत सारे क्या कहते हैं कैरिड अवेज हो सकते हो, बहुत सारी चीजें जो है इधर उधर आपको कर भी सकती हूँ, एक्चुअली बड़ा मुश्किल भी हूँ, एक्चुअली काफी मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप फोकस हो, एक्चुअली इट्स ऑल इन द माइंड, सारा जहन का केस है. और इनका जब चेहरा सामने आता है तो फिर डर भी लगता है. हर शरीफ आदमी डरता है एक्चुअली. नहीं, ये बात भी नहीं है, बट फ्रेंडशिप होनी चाहिए ना. हमारा तो ऐसा रिलेशनशिप है कि लाइक व्हाटएवर इट इज हील कम एंड टेल मी कि यू नो. मैं इनको सब बता देता हूं एक्चुअली. अगर मैंने किसी के साथ गप भी मारी है, फ्लर्ट भी किया है, तो ही कम्स एंड टेल्स मी ना, सो दैट्स फाइन देन, वी नो देयर इज दिस लेवल ऑफ. आपने कभी से आगे से वे नहीं कहा कि ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी, मैं अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट, लाइक कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि मुझे छोटी छोटी बातों से वो नहीं होता, इनसिक्योर नहीं होती. नहीं नहीं, मैं इनसिक्योर नहीं होती, बिकॉज वाकई ये सही कह रहे हैं कि ये फ्लाइट जब पे जाते हैं 8-10 घंटे की फ्लाइट होती है, इवन जब स्टे भी करते हैं दूसरे मुल्कों में, कॉकपिट क्रू एंड केबिन क्रू ये साथ होते हैं, तो व्हाट्स द हार्म के कोई चला गया मूवी देख ली साथ, या बैठ गए या गपशप कर ली. ये तो करना ही पड़ता है जिंदगी में. अब आप बोरिंग नहीं हो तो नहीं ना, बिल्कुल बैठ सकते, आइसोलेट होके तो नहीं रह सकते आप. आपने कहां से ढूंढी थी ये सारे मर्द? यही रावलपिंडी से. रावलपिंडी से जो मर्द रात देख रहे होंगे, कह रहे होंगे अपनी बेगमों को, देखा ये होती है. एंड एट द सेम टाइम ही इज आल्सो लाइक दैट. ही हैज नेवर सेड कि मैं क्या पहन रही हूं, किससे बात कर रही हूं, क्या. ही इज आल्सो लाइक दैट. हम दोनों का यही है. सही. और ये रिलेशनशिप जो है, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी थी, कैसे, मतलब किसने इसको इस तरह से बनाया या किया, दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन? दोनों ही समझ लें वैसे. दोनों ही ऐसे पर्सनालिटी वाइज करने. ही इज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर, और मेरा भी यही है. मैं भी ऐसी हूं, तो वो कोई एक्चुअली स्टार्स पे अगर आप, एंड वी हैव नेवर क्रॉस्ड लिमिट्स. हां, कभी ना इन्होंने की ना मैंने की. सही. ग्रेट. स्टार्स क्या? स्टार्स में मैं एक्वेरियस हूं, ये लियो है, तो स्टार्स का भी हमारा काफी कंपैटिबिलिटी है. अच्छा, सो इट सेज, किताबों में तो ये लिखा हुआ है. अच्छा, यू बिलीव इन स्टार्स? स्टार्स में यहां तक कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सही है, लेकिन जो डेली जो आपको बताते हैं ना कि आज आपके साथ ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, वो बकवास है सर. सही. अच्छा, एक्वेरियस की क्या क्वालिटीज हैं फिर? आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या क्या? नंबर वन, मैं अपनी खामियां बता सकता हूँ, क्वालिटीज तो नहीं, वो खामियां मैं बताऊं. हां, ज्यादा सही. क्वालिटीज ये कि इनमें लाइक आर्टिस्ट होते हैं. सही. ठीक है. शायरी अच्छी खासी कर लेते हैं, और क्या चीज खामी है? बस ये है कि ड्रीमर्स होते हैं, दे ख्याली अपनी दुनिया में रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है इनको. फैंटेसी में गुस्सा आता है वैसे. तो निकलता कैसे? वेल एक्चुअली एक रिलेशनशिप के लिए ना, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप देखें कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ता है. सही. और कर जाना चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. तो ये हम दोनों का है. जब इनको लगता है कि मैं जरा इनसे ज्यादा गुस्से में आ गया हूँ, तो फिर ये थोड़ा बैक ट्रैक करती है. सिमिलरली मैं करता हूँ. आपकी शादी को लव मैरिज कहेंगे और अरेंज्ड लव या लव अरेंज्ड? बोथ. बोथ आई गेस. हाँ, दोनों. कि आपने देखा एक दूसरे को पसंद किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग. आपको लगता है पेरेंट्स ने भी कोई वो नहीं किया? पेरेंट्स ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं था, तो वो आसानी से होगी. सही. अच्छा, पॉप सीन्स में जो लोग होते हैं इसके, वो उनके बारे में जरा होता है, थोड़े उल जुलूल होंगे. हाँ. थोड़े इल डिसिप्लिन्ड होंगे. हाँ. थोड़े शायद मन मौजी होंगे. हाँ. थोड़े शायद मूडी होंगे. शायद कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इतना कामयाब ना भी हो. ट्रू. नुसरत के साथ ये कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड है. ही इज नॉट दैट टिपिकल उस तरह जंकी आर्टिस्ट या म्यूजिशियन नहीं. सॉरी टू यूज द वर्ड, बड़े दोस्त मारेंगे मुझे इस बार. ही इज वेरी डिसिप्लिन. बल्कि मैंने बहुत सारा डिसिप्लिन इनसे, आई थिंक ये इनके फ्लाइंग की वजह से इतना डिसिप्लिन है इनमें, बिकॉज ही हैज टू बी, यू नो, वरना तो आप नहीं कर सकते फ्लाइंग. अगर आप तो वो एक आर्टिस्टिक मूड स्विंग्स होते हैं, वो तो हैं. और सबसे मुझे जो इनका लगता है सबसे एक
बुराई या कह लें जो भी, कि इनको परफेक्शनिज्म का मसला है, यू नो, बस एक हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट होनी है, अच्छा, वरना ये करेंगे नहीं. आई थिंक अभी तक किसी ने अपने एल्बम भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया दूसरा, दैट ही कैन नॉट कोई सब स्टैंडर्ड, या जो इन्हें लग रहा हो मीडियोकर है, या इन्हें लग रहा हो कि वो काम वैसा नहीं है कि प्रेजेंट कर सकें, वो ये नहीं कभी भी किसी से ना शेयर. सही कह रही हैं, बिल्कुल. अभी 6-7 गाने मेरे तैयार हैं, लेकिन जिनको सुनाता हूँ वो लोग कहते हैं बड़े फर्स्ट क्लास हैं यार, इनको मार्केट में निकालो. तो नहीं यार, अभी अभी गुंजाइश है थोड़ी सी, अभी और इसमें इनका जो एल्बम है, जो गाने करें, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज ही इज माय हस्बैंड, बट यू नो इट इज इतने जबरदस्त गाने. अभी जबकि आप देखें कि जो सीन पे सारा देखें कितना मेडियोक्रिटी सब तरफ है, यू नो, मगर बहुत जबरदस्त गाने, मगर इनको कोई ना कोई वो रहता है कि नहीं अभी इसमें ये नहीं हुआ, अभी इसमें वो नहीं हुआ. अच्छा, आप सुनती हैं इनके, ये आपको बहुत सुनाते? बहुत सुनती हैं, ये बहुत बड़ी क्रिटिक है मेरी. बड़े सारे गाने इन्होंने कहा नहीं 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 इसको ठीक करो, तो आप बाकी अप्रिशिएट भी करती हैं? हाँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ, कोई अगर नुक्स लगे वो. एक्चुअली हारमोनी, हारमोनियम पे कभी रियाज पे ये भी कभी बार आती हैं, और ये भी आपके साथ रियाज भी करती हैं? हाँ जी, वाओ. इन्होंने फोर्स किया मुझे कि तुम भी करो रियाज. मैंने एक दो बार किया. नहीं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शादी के क्या दो दिन तीसरे दिन बाद वो कीबोर्ड था मेरे पास. अच्छा. मैंने कहा आओ मैं तुम्हें कीबोर्ड सिखाता हूँ, बजाय हनीमून पे ले आने के मैं इनको कीबोर्ड पे बिठा दूँ, यू नो. तो वो मुझे, मैं तो खैर बिल्कुल ही बहुत ही बेसुरी हूँ, यू नो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था स्वर का क्या है क्या, बट इनके साथ, इनको क्योंकि करते सुनती थी और मैं इनके साथ थोड़ा बैठी, मुझे भी थोड़ा बहुत आ गया, आइडिया हो गया, अब आ गया थोड़ा बहुत. ग्रेट, जबरदस्त. ये आपके साथ इसी तरह कंट्रीब्यूट करती हैं आपके कामों में, आपके साथ हेल्प मुझे होती है बहुत बहुत. इनको एक, इनके जो एक बहुत बड़ा शौक है, जो मैं आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, वो है डस्टिंग करना, सफाई करना. तो ये जैसे ही आते हैं ना फ्लाइट से, तो बाजू का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारते, और वो कपड़ा और ग्लिंट मुझसे ज्यादा इनको शौक है. मैं तो फिर, और पौधों को साफ करना ही ना, मिट्टी से एक एक पत्ता साफ करना, इंडोर प्लांट्स. ये किस किस्म का शौक है? बड़ा थेरेपी है एक्चुअली, बड़ा मजा आता है. और किचन का, इनको किचन के बर्तन वगैरह इतना शौक है, मुझे समटाइम्स मुझे लगता है ही इज इन द रॉन्ग बॉडी. नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच. नहीं, मगर इनको जितनी नॉलेज है ना, माशाल्लाह, आई थिंक अपनी अम्मी की वजह से, बिकॉज उनकी अम्मी बहुत माशाल्लाह डोमेस्टिक. और म्यूजिक का शौक कहाँ से आया, ये किसकी वजह से हुआ और कैसे? फैमिली टोटल. जब आंख खोली हमने, जब बड़े हुए, तो वालिद साहब भी पायलट एयरफोर्स में थे, और म्यूजिक भी उनका बहुत बड़ा शौक था. ठीक है. हमारे घर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे तकरीबन, सितार, हारमोनियम, ढोलक, तबला, बैंजो, पियानो, वायलिन, फ्लूट, वो बोंगोस, कॉन्गोज वगैरह सब थे. वाओ. तो पेरेंट्स ने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि हमने सारा सारा दिन कभी कोई हारमोनियम पे बैठा हुआ है. दो मेरे दो और बड़े भाई हैं माशाल्लाह, तो हम लोग, किसी ने वो एकॉर्डियन पकड़ा हुआ है बड़े भाई ने, और कभी टेबल पे मैं ताल बजा रहा हूँ. तो ये फैमिली की तरफ से आया है. मम्मी को भी बहुत शौक था गाने का, लेकिन गाती नहीं थी वो, लेकिन सितार उन्होंने एक थोड़ा सा सीखा था. तो फिर इसमें बाकायदा आना इस तरह से कि अपना बैंड ज्वाइन करना और गाना अपना लॉन्च करना वगैरह वगैरह, ये मैं क्रेडिट देता हूँ 11 साल के मार्शल लॉ पे, इत्तेफाक से. एक्चुअली जब मैं अमेरिका से वापस आया फ्लाइंग करके, तो यहाँ पर ज़ाहिर है नौकरियाँ वगैरह कोई थी नहीं, तो दूसरी जो चीज़ मुझे आती थी वो ये कि म्यूजिक, गिटार हाथ में पकड़ लिया, फिर बैंड बनाया, और थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी पूरा करते थे. और उसी वजह से फिर रुहेल, शहजाद हसन और फिर जुनेद से मुलाकात हुई, और फिर बैंड बना. सही. तो यह है कि म्यूज़िक ने काफ़ी हेल्प किया एक्चुअली. म्यूज़िक ने वो जो बेरोज़गारी के जो टाइम था ना, उस दौरान मुझे मेंटली सही रखा. सही. जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, सेन रखा. वो डेफिनेटली मैं क्रेडिट म्यूजिक को देता हूँ. सही. अगर म्यूजिक मैं नहीं कर रहा होता तो बड़ा बहुत मुश्किल होता. कमर्शियल फ्लाइंग की थी आपने? जी, बिकॉज मैंने करना ही फ्लाइंग थी. सही. अम्मी ने कहा था यार कोई और नौकरी कर लो, छोड़ो, मगर नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ और कर लो. मैंने कहा नहीं, करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं करना. सही. अच्छा, ये बड़ा टफ टाइम होता है ना, और यूथ, अब अक्सर बच्चे, जरूरी नहीं फ्लाइंग सबने टारगेट किया, लेकिन डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, और बाज़ूकात में नहीं पहुंच पा रहे होते, वहाँ पर बड़ा फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है. कभी आपने भी उस तरह से एंग्री यंग मैन फील किया था अपने अंदर? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी एक जगह ये बोला था, कहा था कि हम एज अ नेशन, हम बहुत मेंटली हम बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत मैं अपने आप को क्रेडिट देता हूँ इसका कि हम लोग जिन हालात से गुजरे हैं और जो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम खुश रहना जानते हैं, हम पागल नहीं हुए अभी तक, और हम फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह